हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 जमात 12वीं मतलब पंजाबी 94वीं यानी कि आपका इलेक्टिव पंजाबी का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर और सैम्पल पेपर की आपका पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा और सैम्पल पेपर भी साथ में डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर ज्वाइन करना। लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र दी वर्तन क्या है आपकी जमात 12वीं दा, जो इलेक्टिव पंजाबी है 2022-23 में 80 नंबर का आपकी लिखित परीक्षा होगी, 20 नंबर की आपकी सीसी होगी, टोटल आपके 100 नंबर होंगे। ठीक है, सबसे पहले 5 नंबर आपके सुंदर लिखाई के होंगे, इसलिए सुंदर लिखाई कर देना, 5 नंबर तो वैसे ही आपके हो गए। ठीक है, प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न होंगे, सभी सुंदर लिखाई करने होंगे, सारे प्रश्न करने जरूरी होंगे और प्रश्न पत्र को इन भागों में बांटा गया है और सारे प्रश्न जो है 2-2 अंक के होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र की रूपरेखा है। मैं वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप जो है इसको पढ़ लो। जहाँ आपको लगता है मैंने आगे बढ़ा दिया, आप पढ़ नहीं पाए हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको सारा पढ़ लो कि किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आएगा, कितने नंबर का क्या काम आएगा। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्टिव पंजाबी का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। अब जो बोर्ड की तरफ से आपका सैम्पल पेपर आया हुआ है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये है आपका इलेक्टिव पंजाबी का सैम्पल पेपर 2022-23 का। ठीक है, तो ये भी ज़रूर सॉल्व कर लेना। लिखित परीक्षा आपकी 80 नंबर की, जैसे कि मैंने आपको बताया 20 की सीसी, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। 5 नंबर की आपकी सुंदर लिखाई होगी। सबसे पहले जो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इस तरीके से 2-2 अंकों वाले। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना होगा, ये 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे अगला भाग, ये भी 2-2 नंबर के होंगे, एक एक प्रश्न जो है वो सारे 2-2 नंबर के हैं। उसमें ऑप्शन दिया होगा और सही ऑप्शन को आपको चुनना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये 2-2 नंबर के सही गलत आएंगे, यहाँ पर आप देखो ये सारे सही गलत 2-2 नंबर के। उसके बाद फिर खाली था हैं, ये खाली था भी आपके 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद ये कविता का टोटा दिया होगा, उस कविता के टोटे से आपको क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। इस तरीके से आप आगे का ये स्ट्रक्चर देख लो, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आएगी, आप उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।